यदि हम पहले देखते हैं किसी की आबादी संख्या तो नहीं है नहीं है किसी का वर्ग तो नहीं है नहीं है किसी की क्यों तो नहीं है नहीं है किसी आपस में गुणा करके तो नहीं आई है नहीं आइए तो हम उसके बाद ऐसा कुछ भी नहीं आता तो जोड़ घटाव करके देखते हैं लास्ट में तो हम कह लेंगे कितना घटाया तो आपको छह घटाया इसमें कितना घटाया उन्नीस में देखिए पांच इसमें पांच घटाया इसमें कितना घटाया चार घटाया इसमें कितना घटाया तीन घटाया देखिए पंद्रह में से तीन जाएंगे तो बारह बचेंगे और बारह में से अब दो घटाएंगे क्योंकि इससे क्या क्रम चल रहा है तो बारह में दो घटाएंगे तो कितना हो जाएगा दस ऑप्शन नंबर क्या होगा भाई सीज राइट होगा जिसने भी सी दिया है बिल्कुल राइट है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए इसको आप कैसे करेंगे देखिए क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे सभी लोग बताइए यहां बोला गया है तीन पांच तीन पांच नौ पंद्रह तेईस तैतीस पैंतालीस उनसठ फिर अगली संख्या क्या आएगी बताइए आपको किसी का आभाल संख्या है नहीं है किसी का गुणा है नहीं है किसी का भाग है नहीं है हा पैतालीस तो अभाज्य संख्या नहीं है बिल्कुल तो यहां क्या जोड़ करके देखो कुछ भी नहीं है तो जोड़ करेंगे तो दो प्लस करेंगे चार प्लस किया गया तो नौ हो जाएंगे फिर छः प्लस किया तो पंद्रह हो गए इसी प्रकार से बात की जाए पंद्रह में मैं आठ प्लस करूँगा तेईस हो जाएंगे दस प्लस करूंगा तो तैतीस हो जाएंगे आठ प्लस किया तेतीस प्लस मैंने तेईस में दस प्लस किया तेतीस हो गए बारह प्लस करूंगा तो पैंतालीस हो जाएंगे और इसी प्रकार से यदि मैं इसमें चौदह प्लस करूंगा तो उनसठ हो जाएंगे और यही मैं सोलह ऐड करूँगा तो कितने हो जाएंगे आपको ये देख रहे हैं तो फिफ्टी में मैं सोलह ऐड कर लेता हूँ तो छः छो जो बारह और बारह दो कितना हो जाएंगे बारह तीन पंद्रह हासिल एक और छह और एक साथ पिछहत्तर और जिसने भी ऑप्शन नंबर क्या दिया है डी दिया है परम सत्ता जिसने भी ऑप्शन नंबर डी दिया है परम सत्ता ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए इसको आप किस प्रकार से करेंगे एक बार कोशिश करिए करने की माइनस एक दे रखा है जीरो दे रखा है तीन दे रखा है आठ दे रखा है पंद्रह दे रखा है अगले क्या आएगा सभी लोग बताइए क्या आने वाला है तो आप कहोगे यहां क्या किया गया है जीरो एक में यदि मैं जीरो एक में प्लस एक कर देता हूं देखिए माइनस एक है और प्लस एक कर दू तो इसमें जोड़ दू तो कितना आ जाएगा आपको क्या जीरो बचेगा तो भाई जीरो बचा है इसमें क्या क्या जीरो में यदि मैं कितने ऐड करूं जीरो में मैं तीन ऐड करूं तो आपको क्या कितना हो जाएगा तीन हो जाएगा यार तीन और प्लस जीरो कितना हो जाएगा आपको क्या तीन ही तो होगा जीरो से एक गुणा करेंगे जीरो के साथ तो जीरो होता है लेकिन प्लस करते हैं तो वही संख्या होती है उसके बाद हमें कितना ऐड करेंगे पांच ये क्या चल रही है और आठ पांच कितना हो जाएगा पंद्रह पांच आठ आठ हो जाएंगे कितना हो जाएगा, जाएगा नहीं अगली संख्या क्या आएगी सात ये कौन सी चल रही है विषम संख्या चल रही है एक तीन पांच सात विषम अगली क्या होगी आपको कोई नौ तो हो नहीं सकती विषम संख्या विषम क्या होगी अगली संख्या क्या होगी आप ये बताइए नौ होगी या फिर ग्यारह होगी बिल्कुल बताइए विषम संख्या आपसे पूछा क्या है विषम संख्या सात के बाद कितनी आती है सात के बाद कितनी आएगी नौ आएगी है ना तो सात के बाद कौन सी विषम संख्या आएगी नौ तो ऑप्शन लगा दीजिए नौ भाई क्योंकि ये हमें अभाज्य संख्या नहीं है ये अभाज्य संख्या नहीं है जो तो प्राइम नंबर होता तो हम ग्यारह लगाते सात के बाद ग्यारह क्योंकि तीन तीन नौ नौ कट जाते तो क्या हो जाता ये क्या विषम संख्या चल रही है और विषम संख्या क्या हमारे वाली है एक तीन पांच सात नौ ग्यारह तेरह ठीक है सत्रह उन्नीस इक्कीस एक, एक तेईस इस प्रकार से हमारी होती हैं ठीक है विषम संख्या में तो उन्नीस हमें ऐड कर देना है पंद्रह में हम कितने जोड़ेंगे पंद्रह हमारे नौ जोड़ना है पंद्रह में नौ जोड़ेंगे तो पांच पांच दस और दस चार चौदह हाँ साल एक और चौबीस हो जाएगा जिसने भी ऑप्शन नंबर क्या दिया है सी दिया है परम सत्ता आंसर है जिसने भी ऑप्शन क्या दिया है सी दिया है परम सत्ता आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें इसको देखिए इसका आंसर क्या रहने वाला है तीन पांच नौ सत्रह अगले क्या आएगा सभी लोग बताएंगे तीन पांच नौ सत्रह अगले क्या आएगा बताइए तीन पांच नौ सत्रह अगले क्या आएगा बिल्कुल ठीक इसका देखिए यहाँ क्या बोला गया देखिए यदि देखिए किसी का वर्ग है नहीं है किसी का घन है नहीं है विषम संख्या नहीं है नहीं है तो इसमें क्या करेंगे इन का करो। कितना हो गया। कितना हो गया? दो प्लस किए गए किए आपको चार प्लस किए गए किए गए किए गए कितने भाई आठ प्लस किए गए देखिए का दुगुना चार चार का दुगुना आठ आठ का दुगुना कितना होता है आपको सोलह सोलह प्लस कर दो भाई सत्रह सत्रह दूनी चौंतीस और एक पैंतीस भैया इसमें तो है नहीं ऐसा सोलह दूनी चौतीस सॉरी सोलह दूनी सोलह दूनी बत्तीस और एक तैतीस हाँ ये हो जाएगा ना मतलब सत्रह और प्लस को सोलह जोड़ना है सत्रह 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 नहीं जोड़ना मतलब सोलह और सत्रह को ऐड करना है तो सोलह दुनी बत्तीस और तैंतीस ऑप्शन नंबर क्या होगा ऑप्शन नंबर तीस पर हम सबका आंसर होगा जिसने भी तेतीस दिया है बिल्कुल राइट है जिसने भी क्या दिया है तैतीस दिया है बिल्कुल राइट है इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन को चले चलो इस क्वेश्चन को बताइए किस प्रकार से सॉल्व करोगे मैंने क्या ट्रिक बताई आपको जो ट्रिक है उसको फॉलो करिए किसी का वर्ग तो नहीं है किसी का क्यू तो नहीं है किसी गुणा तो नहीं है नहीं है तो हम इन दोनों का अंतर ही देखेंगे इन दोनों का अंतर करिए कितना होगा आपको दो प्लस हुआ है यहां कितना हुआ चार प्लस हुआ है इसको देखें कितना हुआ छह प्लस हुआ है यह कितना हुआ है यह आठ प्लस हुआ है क्योंकि सोलह और आठ चौबीस होता है और इसी प्रकार से कितना होगा दस प्लस होगा कितना हो जाएगा आप लोगों के चौतीस हो जाएगा जिसने भी ऑप्शन नंबर सी दिया है परम सत्ता आंसर है जिसने भी ऑप्शन नंबर क्या दिया है सी दिया है परम सत्ता आंसर है ठीक है बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से करना सीख लो पेपर हैकर कर यूट्यूब चैनल पर आपको सब कुछ मिलेगा इसको देखो आप किस प्रकार से करेंगे इसको देखिए आप किस प्रकार से सॉल्व करेंगे देखिए सीरीज को हम बिल्कुल सौ परसेंट क्लियर करके आएंगे क्योंकि सीरीज के दो क्वेश्चन बनना निश्चित है दो क्वेश्चन बनना निश्चित है एग्जाम में तो इसको बताइए कैसे करेंगे यहां बोला गया तीस को अट्ठाईस फिर अट्ठाईस से बत्तीस फिर इक्कीस हुआ है तो क्या हुआ है कम हुआ है कितना कम हुआ है आप हो गए यहां तो दो कम हुआ है क्योंकि ता... यहां तीस में से यदि अट्ठाईस को हटा दिया जाए तो कम हो जाएगा इसको इधर कम कर दीजिए अट्ठाईस में से तीस घटाएंगे तो कितना कम होगा आप कहोगे यहां तो हो जाएगा सर पांच कम हो जाएगा माइनस पांच उसके बाद में आगले देखिए कितना कम हुआ है आप बोले यहां माइनस दो कम हुआ है देखिए यहां माइनस दो माइनस पांच माइनस पांच माइनस दो उसके बाद हम माइनस पांच ही कम करेंगे क्यों क्योंकि एक छोड़ के एक चल रहा है अब देखिए कर लेते हैं माइनस पांच कम करेंगे तो कितना होगा इक्कीस पांच घटाएंगे तो कितना हो जाएगा इक्कीस से पांच घटा दीजिए कितना हो जाएगा सोलह सोलह हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या लगाएंगे भाई ऑप्शन नंबर हम बी लगा देंगे ऑप्शन नंबर क्या लगाएंगे भाई ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे ठीक है सोलह बिल्कुल राइट है सभी का बिल्कुल राइट है आप इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कभी डरना नहीं है क्वेश्चन से घबराना नहीं है ठीक है वो खा नहीं जाएगा हमें क्वेश्चन हर टाइप के क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो एग्जाम में इसको देखिए इस क्वेश्चन को आप किस प्रकार से करेंगे सभी लोग बताइए सत्तावन में क्वेश्चन को यहां देखा है दो सौ आठ दो सौ अड़तीस फिर तीन सौ चार तीन सौ चालीस अब बताइए आप देखिए किसी का वर्ग तो नहीं है किसी का क्यू तो नहीं है किसी गुणा तो नहीं है यदि ऐसा कुछ भी नहीं होता है तो आप प्लस करेंगे क्या करेंगे तो आप प्लस करेंगे ठीक यदि ऐसा नहीं होता तो आप प्लस करेंगे तो कैसे करेंगे देखें इन दोनों में कितने का अंतर है यहां एक सौ आठ कितना का एक सौ अड़तीस कितना हुआ है तीस प्लस हुआ है यहां कितना होने वाला है पता नहीं मैं कितने होंगे अगले वाले को देखेंगे पता नहीं कितने होंगे अगले वाले से अगले वाले को देखो कितने अंतर हुआ है तो आप लोग यहाँ का कितना अंतर हुआ है आप लोग एक सौ चार एक सौ चालीस है एक सौ यहां कितना है तीन सौ चार और तीन सौ चालीस मतलब कितना कम हुआ मतलब छत्तीस ऐड हुआ है कितना हुआ है छत्तीस ऐड हुआ है यही तो लास्ट वाले में छत्तीस ऐड हुआ है ठीक है यदि मैं बात करूं यहां कितना हुआ है तीस ऐड हुआ है यहां छत्तीस ऐड हुआ है यदि मान लो यहां मैं कितने बत्तीस ऐड कर लू और यहाँ चौतीस ऐड कर लू मान लीजिए मुझे तो क्या ये सीरीज पूरी हो जाएगी बात कर लेते हैं क्या दिक्कत है तीस के यहां छत्तीस हुआ है तो बत्तीस चौतीस छत्तीस इस प्रकार से हो सकता है दो दो का अंतर होता हो तो एक बार करने में क्या दिक्कत है कर लो तो आप यहां करेंगे देखिए दो सौ अड़तीस में दो सौ अड़तीस में हम बत्तीस ऐड करेंगे हम बत्तीस ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा दस हो, 3, 3, हो जाएगा और हो दो दो सौ सत्तर देखिए यदि मैं दो सौ सत्तर आ रहा है, हां ठीक है? इसको दो सौ सत्तर को यहां रख दीजिए अब दो सौ सत्तर में कितना करना है दो सौ सत्तर में चौथे साइड करके देखिए कि अगली वाली संख्या आ रही है तो हमारा राइट आंसर होगा चार की चार सात तीन दस हाँ से एक और दो तीन सौ चार भाई तीन सौ चार आ रही है यह बात सही है मेरा ऑप्शन नंबर बीच राइट रहेगा इसमें कोई डाउट नहीं है तो हम इस प्रकार से भी मन की भावनाओं को समझ के अपनी मन की भावनाओं को समझ के भी क्वेश्चन को करेंगे ठीक है तो माइंड थोड़ा यूज कर लीजिए अच्छे तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में इसको देखिए अट्ठावनवे क्वेश्चन को कैसे करेंगे बताइए सभी लोग बताइए इसको कैसे करेंगे हम यहां कह रहा है साठ है देखिए यहां में इकसठ है बावन में तिरसठ है चौरानवे है छियालीस है, है तो अगली संख्या क्या, क्या आएगी बताइए अगली संख्या क्या आने वाली है आप देखो किसी का वर्ग है नहीं है किसी का क्यू है नहीं है है ना किसी का क्यू ही नहीं है यदि देखा जाए देखो यदि देखा जाए ध्यान से देखना इसको इतना कम किया जाए है ना इसको इतना कम किया जाए हाँ ऐसा हो सकता है ऐसा कूद सकता है या नहीं बताइए मुझे ऐसा कूद सकता है या नहीं ये क्वेश्चन कैसे होगा ऐसा तो हो नहीं पा रहा ऐसा नहीं होगा से भी नहीं होगा बताइए फटाफट इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे एक बार कोशिश करिए इसमें क्या आपको लॉजिक लगाना है कौन सा लॉजिक लगेगा भाई बताइए लॉजिक कौन सा लगने वाला है? इसमें देखिए इकसठ है फिर बावन है फिर तिरसठ है फिर और, आ, कह सकते हैं चौरानवे है, चौरान है एकदम बढ़ गई है संख्या उसके बाद फिर एकदम कम हो गई है तो इसका मतलब क्या है बताइए छियासठ का चौतीस इकाई ढाई संख्या को आपस में बदलने पर अरे सही कह रहे हो भाई भाई कोई कह रहा है इकाई ढाई की संख्या को बदल दीजिए सर चलो ठीक है बदल के देखते हैं इकाई ढाई संख्या को बदल दीजिए मतलब कि यहाँ एक कर दीजिए यहाँ छह कर दीजिए इधर इधर कर दीजिए टू कर दीजिए यहाँ पांच कर दीजिए इधर को बदलेंगे तीन कर दीजिए यहाँ छे कर दीजिए इधर चार कर दीजिए नौ कर दीजिए इधर को छह कर दीजिए चार कर दीजिए अब देखो चार चौक सोलह चार का वर्ग है भाई छे चार का वर्ग है ये कितने का है पांच का वर्ग है ये कितने का आप छे का वर्ग बताएंगे ये सात का वर्ग है ये किसका है ये आठ का वर्ग है अठव टू चौसठ होता है यहाँ कितना आएगा नौ का वर्ग आगा नौ नेक्यासी होता है नौ नेम कितना होता है इक्यासी और इक्यासी को उल्टा लिखेंगे तो एक और आठ लिखेंगे ऑप्शन नंबर क्या होगा बीस परम सबका आंसर होगा भाई बढ़िया बहुत ही बढ़िया भाई जिसने भी ऑप्शन नंबर यह कहा था ना कि इसका अपोजिट कर दीजिए तो अपोजिट करके भी आंसर ला सकते हैं तो देखना है तो हमको अपोजिट करके भी क्वेश्चन को देखना पड़ सकता है एग्जाम में तो आपको घबराना नहीं है आप करके भी देख पूछेगा तो इसलिए बहुत बोला गया है तेरा दस अगले कौन सी आने वाली है आप बताओ हर बार सो एक सो एक सो एक सो एक में एक जीरो बढ़ाए देखिए यहां थे हमारे तेरा ठीक है और तेरह के बाद हुए दस दस ना हुए यार दस ना हुए देखो हमने क्या करना है दस के बाद में हमने एक जीरो ऐड किया है ठीक है उसके बाद में सौ के बाद में एक एड जीरो को ऐड किया है और इसी बार में अगले भी कोई संख्या आएगी वो एक जीरो हम ऐड कर लेंगे इसके बाद में एक जीरो और ऐड कर लेंगे अगले वाली पूछती तो ये होती लेकिन हमसे पूछा ये वाली तो तेरह है देखो तेरह के बीच में हम एक एक ऐड करेंगे और इसमें क्या है इसमें दो ऐड किए इसमें तीन ऐड किए हमें एक ऐड करेंगे जीरो एक ऐड करेंगे तीन के बीच में जीरो तेरह के बीच में जीरो एक ऐड करेंगे यहां दो ऐड हुए हैं यहां तीन ऐड हुए इसी प्रकार से एक ऐड होगा तो ऑप्शन नंबर आप क्या लगाएंगे एक ऐड होगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट होगा जिसमें कोई डाउट नहीं है तो इस प्रकार से भी हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ठीक नेक्स्ट क्वेश्चन इसको देखिए पीडीएफ आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ मैंने टेलीग्राम पर शेयर कर दी मैंने टेलीग्राम पर आपको शेयर कर दिया वहां जाके देख लीजिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है टेलीग्राम का इसको देखिए आप किस प्रकार से करेंगे यहां क्या रखा सात बाईस सात बीस ठीक है उनसठ और एक सौ छिहत्तर और पांच सौ सत्ताईस अगले क्या आएगी बताइए 527 बताइए 176 इसको सभी लोग बताइए 5920 और बताइए और 7 का इनको आपको बताना किस प्रकार से चेंजेस हुआ है सभी लोग बताइए इसका आंसर क्या रहने वाला है ठीक है अंतर कर लीजिए अंतर कह कर रहे हैं करने के लिए सब लोग अंतर कर लीजिए क्या रहेगा कोई अंतर कर लीजिए बताओ भाई बताओ क्या रहने वाला है इसका आंसर चलो ठीक है देखिए यहां इन दोनों का अंतर करिए कितना आ जाएगा आप लोगे बीस और तेरह सत्रह हो जाएगा ठीक है मतलब तेरह में सात तेरह कितना हो जाएगा बीस हो जाएगा इस प्रकार से यदि मैं बीस में से सात बीस में तेरह घटाऊंगा तो सात बचेंगे या इतने के हुए भाई ऐड हुए हैं तेरह ऐड हुए हैं इसी प्रकार से कितने ऐड हुए हैं आप कहोगे नौ और पांच में दो जाएंगे तो तीन उनतालीस ऐड हुए हैं ठीक है उनतालीस ठीक है ना तभी हो जाएंगे ना सॉरी उनतालीस को उनतीस आएगा यहां आ जाएगा कितना पाँच पांच में से दो जाएंगे तीन हो जाएंगे हाँ उनतालीस एड हुए हैं ठीक है दूसरी बार में उनतालीस एड हुआ है अब फिर क्या अगले कितना ऐड होगा यहां देखिए यह बात करेंगे अब देखिए छह सोलह में से नौ जाएंगे तो बचेंगे सात और यहां बचेगा पांच पंद्रह में से पांच जाएंगे तो बचेंगे दस एक सौ सात ऐड हुआ है ठीक है एक सौ हो सात होगा ना एक मिनट यहाँ बचेगा छ छह में यहां बचेंगे सोलह सोलह में पांच जाएंगे तो ग्यारह बचेंगे सोलह में से पांच जाएंगे तो ग्यारह बचेंगे एक सौ सत्रह बचे इन दोनों का अंतर कितना होगा इन दोनों का अंतर बताइए इन दोनों का अंतर करना है अब देखिए सात में से छह जाएंगे तो एक बचेगा यहाँ बारह बारह में से सात जाएंगे तो कितने बचेंगे पांच बचेंगे और यहां बचेगा चार चार में से एक जाएगा तो तीन बचेंगे थीन एक तो अगले क्या आने वाला है अगले तो अगले एक सौ सत्रह उनतालीस कितना होता है एक सौ सत्रह और एक सौ सत्रहतियां होता है तीन सौ इक्यावन सौ सत्रहतिया होता है तीन सौ इक्यावन और एक सौ देखिए तीन सौ इक्यावन तिया की बात करें तीन सौ गुणा करेंगे तो तीन एकम तीन आ जाएगा यहाँ देखिए कितना जाएगा तीन एकम तीन आ जाएगा और तीन पंजे पंद्रह कितना जाएगा एक हासिल और तीन तिया नौ और एक दस एक सौ एक कह सकते हैं एक हजार त्रेपन एक हजार त्रेपन को हम ऐड कर लेंगे पांच सौ सत्ताईस और एक हजार त्रेपन ऐड कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपके इन दोनों का अंतर करिए अब ऐड करिए मतलब जोड़ करिए सात में दस हो जाएगा हांसल एक, एक आठ हो जाएगा और पांच की पांच हो जाएगा और एक कितना का पंद्रह सौ अस्सी ऑप्शन नंबर जिसने भी ऑप्शन बी दिया है परम सत्य आंसर है परम सत्य आंसर है ऑप्शन नंबर बी ठीक इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की को ओर चलते हैं इस क्वेश्चन को ध्यान दीजिए इकसठ में क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे देखिए यहां बोला गया है एक पांच पच्चीस एक सौ पच्चीस यहां क्या आएगी भाई बताओ एक थी कितने ऐड हुए आप हो गए चार ऐड हुए यहां कितना हुआ हाँ चार ऐड हुआ तो हो जाएगा नहीं यार गुणा करो इसमें गुणा गुणा होगा चार ऐड मत करो गुणा करके किया जा, जा रहे हैं गुणा करके की जा रही भाई देखो यहां देखिए पांच एकम पांच पचम पच्चीस पच्चीस पंजे एक सौ पच्चीस एक सौ पच्चीस पंजे एक सौ पच्चीस पंजे छ सौ पच्चीस हाँ <laughs> बताओ एक सौ पच्चीस पंजे कितना होता है एक सौ पच्चीस पंजे छः सौ पच्चीस भाई कोई दो सौ पैंतालीस बता रहा है छ सौ पच्चीस छह सौ पच्चीस छः सौ पच्चीस हो गया और छः सौ पच्चीस अगली छह सौ पच्चीस पंजे कितना होता है कितना होता है इकतीस सौ पच्चीस बिल्कुल ठीक है उसके बाद क्या आ जाएगा इकतीस सौ इकतीस सौ पच्चीस पंजे कितना होता है आपको ये बता रहा है आप कहोगे पंद्रह सो पंद्रह हजार 625 कितना होता है 15625 ऑप्शन नंबर छह दिया 15625 ऑप्शन नंबर डी इज राइट होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा होगा डी इज राइट ठीक है इस प्रकार से पंजे पंजे की गुणा की जा रही है समझ में आ रहा है सभी को ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन को चले इस क्वेश्चन को देखिए इसको आप किस प्रकार से सॉल्व करेंगे इसको देखिए यहाँ कह रहा है तीन पॉइंट फाइव दे रखा है तीन पॉइंट फाइव को सेवन कर दिया गया मतलब क्या है इसका दुगुना किया गया दो तो के साथ गुणा किया गया इसको देखो कितना किया गया आप इसका तो दुगुना कर दिया अब इसमें कितना है? आप कह रहे हो इसका दोगुना किया गया है हां उसमें फिर के बाद कितना कर दिया गया आप कह रहे हो तीन पॉइंट सॉरी 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 दोगुना नहीं हो रहा है भाई दोगुनी नहीं करेंगे यहां क्या किया इन दोनों को तीन पॉइंट फाइव जोड़ा गया तो सात हो गया इसमें क्या हुआ इसमें भी तीन पॉइंट फाइव जोड़ा गया तो साढ़े दस हो गया इसमें भी हमने क्या तीन पॉइंट फाइव जोड़ा तो चौदह हो गया चौदह में हम तीन पॉइंट फाइव जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा साढ़े सत्रह हो जाएगा साढ़े हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या है डी प्रम सत्ता आंसर होगा साढ़े सत्रह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी प्रम सत्ता आंसर होगा समझ में आ रहा है इस प्रकार से सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन इसको बताइए आप किस प्रकार से करने वाले इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे सभी लोग बताइए इसको बताइए कैसे करने वाले हम लोग देखिए यहां बोला गया है दो पांच दस सत्रह छब्बीस फिर अगला क्या आएगा बताइए दो पांच दस सत्रह छब्बीस अगले क्या आएगी अब देखिए यहाँ कोई वर्ग तो है नहीं जोड़ तो है नहीं प्रसायद जोड़ करके देख लो क्या दिक्कत है यहाँ देखो पहले जोड़ करके देखिए तो यहाँ जोड़ करके देखते हैं तो कितना जाएगा तीन प्लस हो रहा है यहाँ कितना हो रहा है पाँच प्लस हो रहा है यहाँ सात प्लस हो रहा है यहाँ कितना होगा यहाँ देखिए कितना है छः और छः और तीन कितना होगा नौ नौ प्लस हो विषम संख्या चल रही है अगले कितनी होगी ग्यारह प्लस हो जाएगा तो कितना छः के अगले एक बढ़ा दो ग्यारह एक्ट कर लो यार इसमें कितना होगा सात हो जाएगा और कितना आएगा सात और तीन कितना सैंतीस है कहीं है बिल्कुल ऑप्शन नंबर एज पर हम आंसर होगा ऑप्शन नंबर एज पर हम सत्ता आंसर होगा लगा दीजिए बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से हम सब लोग करेंगे हर क्वेश्चन को शॉर्ट ट्रिक से ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए इस क्वेश्चन को आप कैसे करने वाले हैं देखिए ये भी हमारी सीरीज के क्वेश्चन है छत्तीस चौतीस तीस, तीस अट्ठाईस कम होता है चला जा रहा है कम कर लीजिए चौतीस या चार कम हो रहा है यहां भी चार कम हुआ है यहां दो कम हुआ है यहां हमारा चार कम हुआ है यार देखियो सही कर रहा हूं मैं गलत कर रहे हो सर गलत कर रहे हो आप गलत कर रहे हो गलत कर रहे हो क्यों क्योंकि यहां छत्तीस में से चौंतीस जाएंगे तो कितने बचेंगे तो दो कम हो रहा है चार कम हो रहा है दो कम होगा सर. हो सर अब दो कम होगा तो हो कितना बाईस ऑप्शन नंबर कौन लगाएगा सी सत्य आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा सी सत्य आंसर होगा यहाँ बाइस आ जाएगा ठीक है इस बात को याद रखेंगे इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम लोग फटाफट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ठीक है फटाफट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए इसको देखिए कैसे आने वाला है इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे पैंसठ पे क्वेश्चन को बताइए यहां रखा जीरो तीन आठ पंद्रह चौबीस फिर अड़तालीस फिर कैसे करेंगे यहां देखो यदि यह मैं यहां तीन ऐड करता हूं कोई गुणा तो नहीं किसी की नहीं है आठ पांच नहीं है कोई अवैध संख्या भी नहीं है प्राइम नंबर भी नहीं है कुछ नहीं है तो इसको कैसे करेंगे बताइए सभी लोग बताइए सभी लोग कैसे करेंगे इसको ठीक इन दोनों का हम अंतर करेंगे कितने करेंगे प्लस तीन करके देखें ठीक है यहां कितना करेंगे प्लस पांच हो रहा है यहां कितना हो रहा है प्लस सात हो रहा है यहां कितना हो रहा है पंद्रह और और नौ नौ हो रहा है यहां कितना हो जाएगा ग्यारह हो जाएगा प्लस ग्यारह विषम संख्या चल रही है तो ग्यारह ऐड कर लीजिए कितना हो जाएगा पांच और यहां कितना हो जाएगा तीन पत्तीस है कहीं पैंतीस ऑप्शन नंबर क्या रहने वाला है जिसने भी ऑप्शन नंबर डी दिया है परम सत्ता आंसर होगा यहां हो जाएगा पैंतीस और अगली संख्या तेरह होगी हम तेरह का ऐड करेंगे पैंतीस में देखिए तीन पांच आठ और चार ऑप्शन नंबर अड़तीस बिल्कुल ठीक है हमारा ये बात राइट है ऑप्शन नंबर डी राइट रहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर से इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर तो दीजिए बताइए इसको हम कैसे करने वाले हैं बताइए इस क्वेश्चन को कैसे करने वाले हैं अभी देखिए क्वेश्चन आपके दूसरे टाइप के आने वाले हैं अभी हाल ही में इस क्वेश्चन को बताइए ठीक है यहां कह रहा है देखिए सात बारह उन्नीस अट्ठाईस उनतालीस तो अगले क्या आएगी यदि ये किसी विषम संख्या तो नहीं है किसी का वर्ग तो नहीं है किसी का क्यू तो नहीं है नहीं है नहीं है ना नहीं है ना नहीं ना बिल्कुल नहीं है तो इन दोनों का अंतर कर लीजिए कितना है सात पांच बारह फिर अगले कितना होगा बारह बारह और पांच नहीं बारह और सात उन्नीस अगले देखेंगे कितना हो जाएगा ये नौ हो जाएगा अट्ठाईस अगले कितना होगा ग्यारह हो रहा है ठीक है अगले प्लस ग्यारह हो रहा है अगले कितना होगा तेरह करेंगे विषम संख्या चल रही है ये विषम संख्या चल रही है तो तेरह करेंगे तेरह ऐड कर लीजिए हाँ और देखिए नौ तीन कितना हो जाएगा दो हालांकि और यहां चार और एक पांच बाबन जहां भी होगा वो हमारा राइट आंसर होगा जिसने भी ऑप्शन नंबर क्या दिया है ऑप्शन नंबर ए दिया है परम सत्ता आंसर है जिसने भी ऑप्शन नंबर ए दिया है परम सत्ता आंसर है इज राइट होगा ठीक नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलिए इस क्वेश्चन को किस प्रकार से करेंगे सीरीज आपके सामने है इसको आप किस प्रकार से करने वाले हैं सभी लोग बताइए आंसर करके एक सौ बीस दो सो 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 अगले क्या आएगी किसी का वर्ग है किसी का क्यू है किसी का घन है मार दो गोली अरे मार दो गोली यार अब कहोगे सर कैसे करूं शॉर्ट कर दो शॉर्ट कैसे करोगे सभी लोग बताइए शॉर्ट कैसे करोगे बारह बारह एक चवालीस देखो किसी का क्यू तो नहीं है क्यू है देखो यहां क्या आप मान लो यहां मान लो ग्यारह की क्यू ग्यारह की स्क्वायर ग्यारह ग्यारह कितना होगा देखिए ग्यारह ग्यारह माइनस एक कर दो मतलब ग्यारह ग्यारह एक सौ इक्कीस देखिए ग्यारह ग्यारह कितना होता है आप कहोगे ग्यारह ग्यारह एक सौ इक्कीस माइनस एक बराबर कितना हो जाएगा एक सौ बीस ठीक है इसको कितना कर दीजिए इसको कितना करेंगे हम क्योंकि चा, देखिए चा, चार सौ चालीस होना हो चाहिए चार सौ चालीस कितने का वर्ग है आप कौगे इक्कीस का कितने का भाई इक्कीस 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 की स्क्वायर करिए माइनस एक कर दीजिए माइनस एक कर दीजिए इक्कीस इक्कीस चार सौ चार सौ कितना होता है चार सौ इकतालीस माइनस एक करेंगे तो कितना हो जाएगा चार सौ चालीस ठीक है चार सौ चालीस ऑप्शन नंबर इक्कीस का है ये कितने का इकतीस का है इकतीस का वर्ग करिए और एक घटा दीजिए कितना आ जाएगा आप कहोगे इकतीस का वर्ग होता है नौ सौ इकसठ माइनस एक करेंगे तो कितना हो जाएगा नौ सौ साठ आप कितना इकतालीस का वर्ग है इकतालीस का वर्ग कितना होता है और एक माइनस करिए इकतालीस का होता है सोलह सौ अस्सी सोलह सो इक्यासी और माइनस एक करेंगे तो हो जाएगा सोलह सौ अस्सी तो ये हमारा आ जाएगा अब यहां कौन सा आप बोले इक्यावन का वर्ग करिए क्योंकि हमने देखिए एक देखिए ग्यारह का वर्ग किया इक्कीस का किया इकतालीस का इकतीस का किया इकतालीस का किया अब हमने करेंगे इक्यावन का वर्ग इक्यावन का वर्ग करेंगे तो कितना होता है फाइव वन का आप वर्क कर लीजिए इक्यावनी इक्यावनी गुणा कर लीजिए तो आप एक एक पंजे पांच एक, एक पंजे पांच और पांच एकम पांच कितना दस कितना बचेगा आप आपको देखिए याद रखिए रखिएगा कितना आ जाएगा कितना आ जाएगा भैया कितना दस हाथ से एक आ जाएगा ठीक है पचास हम पच्चीस और एक छब्बीस कितना आएगा छब्बीस सौ एक छब्बीस सौ एक है माइनस एक करना है हमें कितना आ जाएगा आपको छब्बीस सौ आ जाएगा यही हमारा क्या होगा परम सत्ता आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा एज परम सत्ता आंसर होगा ऑप्शन नंबर एज परम सत्ता आंसर होगा ठीक है इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम करेंगे तो कैसी लगी आज की वीडियो जरूर बताना और देखिए उसके बाद चलते हैं स्टार्टिंग में टू टाइप क्वेश्चन अगले टाइप के क्वेश्चन कैसे बनते हैं देखो यहां बोला गया अड़सठ अड़सठ को हम नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन बोला गया है। इसको हम कैसे करेंगे अड़सठ में क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट बोला गया इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे बताइए सभी लोग बताइए अड़सठ में क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को सभी लोग बताइए कैसे करेंगे देखिए मैंने कहा ऐसे क्वेश्चन को सबसे पहले गिनते हैं सबसे पहले क्या करते हैं गिनते हैं देखिए एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह टोटल कितने पंद्रह पंद्रह कितने भागों में तोड़ सकते हैं तो कहोगे हो गया पांच इंटू तीन में तोड़ दीजिए सर पांच तीन पंद्रह होता है या तो तीन तीन में तोड़ दो या फिर पांच पांच में तोड़ दो तो हम कह रहे हो पांच में तोड़ दो सर एक दो तीन चार पांच एक दो तीन चार पांच एक दो तीन अब देखो क्या है दो लास्ट में क्या है ए है दो लास्ट में क्या है ए है तो ए कर दीजिए अब देखो उसके बाद में क्या है बी है तो यहां बी कर दीजिए और लास्ट में ए कर दीजिए यहां क्या करेंगे उससे पहले बी है और बी के बाद ए है अब आपके सामने सब कुछ पेश पेस कर दिया गया है तो ए ए ले लो बी कौन है ए और बी वाला देखो ए और बी तो ए और बी ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे बाकी सब में ए है तो यही हमारा क्या होगा परम सत्य आंसर होगा देखिए कितनी जल्दी हमने क्वेश्चन कर दिया देखिए हमने कितनी जल्दी इस क्वेश्चन को कर दिया चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं आपको समझ में आ जाएगा इसको बताइए कैसे करेंगे इसको बताइए आप किस प्रकार से करने वाले हैं बताइए तो आप कहोगे सर इसमें भी गिन लीजिए एक दो तीन चार पांच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस यहां है बीस बीस को कितने भागों में तोड़ सकते हैं छोटे से छोटे मार्क करो तो आपको पांच चौक बीस होता है सर या तो चार चार में तोड़ दो या फिर पांच पांच में तोड़ दो बात है तो एक दो तीन चार पांच 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 में तोड़ देते हैं एक दो तीन चार पांच 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 में तोड़ देते हैं एक दो तीन चार पांच एक दो तीन चार पांच ठीक है अब हमने क्या किया भाई अब हम देखना है इसमें क्या आने वाला है अब देखो इसमें क्या है ध्यान से दो यहां क्या है डी बी सी डी बी सी उसके अगले अग ए भाई इसको देखो काम बन रहा रहा है काम बन रहा है पांच में काटने से ना बनना है चार में चार में काटो एक दो तीन चार 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 अब चार चार में काट के देखो पांच पांच माँ से मेरा काम नहीं बन रहा था हमने चार चार में काट लिया कैसे काटेंगे अब हमें क्या भरना है देखो थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं कलर को देखो अब यहां क्या करेंगे देखो या इससे देखो अगले पहले डी से पहले कहीं कुछ है ए तो आपको भाई यहाँ है डी से पहले ए तो हमने ए भर दिया ठीक है उसके बाद मेरे को देखो ये पूरे आदि को पड़ गया यही समीकरण हमें सब में बनानी है देखो ए ए डी डी बी बी सी है इसके बाद में ए डी बी सी ए डी और फिर क्या है बी फिर क्या है ए डी बी और सी अब देखो अब जो भर गया हमारे सामने ए का ए कर दो ठीक है ए के बाद में क्या है ए कर दो ए के ए इसमें ही है देखो और बाकी तो किसी में नहीं है ए तो सबको काट दो ऑप्शन नंबर ए लगा दो बाकी चुपचाप कुछ पूरा देखने की जरूरत नहीं है टाइम बर्बाद करने की जरूरत नहीं है इसमें समझ में आ रहा है हमें पता चल गया भाई ए ए इसी में बाकी किसी में है ही नहीं तो फटाफट सबको काटो ऑप्शन नंबर ए लगाओ चलते बनो अपने घर को चलते बनो समझ में आ रहा इस है इस क्वेश्चन को देखो कैसे करोगे सत्तरवा क्वेश्चन बताओ इस क्वेश्चन को करके दिखाइए सभी लोग कैसे करेंगे इसको हम कैसे करेंगे सभी लोग बताइए इसको हम कैसे करेंगे सभी लोग बताइए इसको हम कैसे करेंगे सभी लोग बताइए यहां बोला गया ए डी ए बी ए बी और देखिए पहले गिन लो कितनी है एक दो तीन चार पांच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सोलह टोटल है सोलह को हम कितने भागों में तोड़ सकते हैं तो चार इंटू चार में तोड़ सकते हैं चार चौक सोलह चार चार कर लो एक दो तीन चार एक दो तीन चार एक दो तीन चार एक दो तीन चार, एक, दो, तीन, चार। अब देखो कैसे करोगे बोला गया है ए बी ए और बी और डी अब देखो कहीं देखो इससे पहले ए बी है कहीं अब कहोगे सर नहीं है सर जी नहीं है सर जी नहीं है कैसे होगा ये क्वेश्चन हाय, कोई मिली ना रहा है कोई न आ रहा है तो इसमें क्या करेंगे हम लोग चार सौ सोलह ही हो रहा है ना चार सौ सोलह हो रहा है और छोटे में तोड़ सकते हैं सोलह को सोलह को और किसी में तोड़ सकते हैं आठ दूनी सोलह होता है आठ आठ में तोड़ लो भैया जब सही ना हो रहा है ना इसमें चार चार में देखो काम ना बने ना तो आठ में तोड़ लो आठ आठ में आठ धोनी सोलह होता है आठ में तोड़ लो एक दो तीन चार पांच छः सात आठ एक दो तीन चार पांच छः सात आठ अब देखो सिम से मिला के देखो अब कौन से में किस में क्या मिल रहा है कुछ मिल रहा है ए बी ए बी और डी कुछ आ रहा है ऐसा कुछ आ रहा है हाँ बताओ कुछ मिल रहा है नहीं मिल रहा यार ये तो बहुत गड़बड़ कर रहा है साला उल्टा कर रहा है सी फिर यहां क्या जाना चाहिए यहां डी आना चाहिए देखो यहां सी यहां सी यहां डी उसके बाद में यहां यहां बी होना चाहिए फिर इनके हिसाब से तो यहां बी होना चाहिए जब बी होगा तो यहां अगले कितना होगा ए डी है तो उसे ए कर दिया नहीं ऐसे नहीं कर सकते यार मुझे बताओ कैसे करना है यार ये कैसे होगा समझ में न आ रहा मुझे खुद कैसे होगा ये क्वेश्चन सभी लोग बताइए यार कोशिश करिए एक बार कैस प्रकार तोड़ सकते हैं दो दो में तोड़ रहे हैं दो दो में कर रहे हैं तो भी नहीं हो रहा यार हाँ दो दो में तोड़ के देखें भाई चार चार में नहीं हुआ आठ में आठ में भी नहीं हो रहा तो दो दो में तोड़ के देखें चलो दो दो में तोड़ दो 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 में तोड़ना कितने में होगा दो दो में तोड़ के देख लो अब देखना ए भी है इसमें हाँ ए भी है अब इसमें क्या है ये तो डी ए है ए बी है किसी में और यहाँ ए भी करके देख लो यहां ए बी ए बी हो गया यहाँ सी डी करके कर देखो सी डी है कहीं डी हाँ है। तो यहां डी करके कर देख लो सॉरी सी करके देखो सी करके डी करके नहीं है तो करके कर देखो सी सी करके देख लो अगले कौन सा आएगा यहां तो डी ए है डी ए डी ए यहां करके देखो क्योंकि डी ए यहां डी ए करके यहां कर, कर देखो बी के बाद में क्या था हमने बी ए देखा था क्या बी के बाद में कुछ था बी 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 के दिख रहा है नहीं दिख रहा सी ए दिख रहा है बी के बाद में देखो यहाँ सी कर दो यहाँ बी कर दो अब देखो आंसर यही है हम देखो चार चार से भी तोड़ के देखा तो भी नहीं आया आठ आठ से तोड़ के देखा तो भी नहीं आया दो से भी देखेंगे तो भी आया दो से देखो आया है कहीं ठीक है तो हम कहीं गलती कर देते हैं उसको गलती को परखना है जैसे कि ए का ए हो गया उसके बाद में बी देखो कहा बी है? है उसके बाद में ए ए कहा ए है? है इसमें उसके बाद सी फिर ए ऑप्शन नंबर ए राइट होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा भाई ए राइट होगा देखो कितनी कितनी टाइम में हमें कोशिश करी उसके बाद हमें आंसर आया देख लीजिए कितनी हमने कोशिश की है तो हमारे पास आंसर आया तो इस प्रकार से आंसर को हमें देखना होता है चार से हमें डिवाइड करके नहीं हो पा रहा है आठ से नहीं हो पा रहा है तो दो से लेकिन होगा इनकी गुणा ही से करके ही देखेंगे चार चौक सोलह आठ 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 दूनी आठ दूनी सोलह इस प्रकार से ही करके देखेंगे तो हमारा आंसर राइट आ जाएगा ठीक है चलो ठीक है सॉल्व मैं कोशिश की हमने काफी टाइम तक चलो इसको देखिए हम किस प्रकार से करते हैं देखिए मैं बुक से नहीं पढ़ाता मैं आप खुद ही करता हूँ जो भी क्वेश्चन करता हूँ ठीक है बिल्कुल। इसको बताइए कैसे रहने वाले बुक से नहीं पढ़ाता मैं आपको इसको बताइए कैसे रहने वाला है इसको बताइए कैसे रहने वाला है यहां कह रहा है पहले सबसे पहले गिन लेते हैं एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह कितने हैं भाई कितने अठारह अठारह में कितने भागों तोड़ सकते हैं तो नौ दूनी अठारह और में तोड़ सकते हैं छारह और तोड़ सकते हैं नहीं छोड़ सकते ना बस इसको बहुत ही यार तीन तीन करके देख लो या फिर छः छः करके देख लो छः छः करके देखो ठीक है या फिर तीन तीन करके देखो एक दो तीन ये छः छः करके देखो एक दो तीन चार पांच छः करके देख लें तीन, तीन तीन करके देखो यार एक दो तीन 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 अब भैया काट लो क्या करने वाले हैं उसको देखो जो आंसर आ रहा है वो आपको सामने होगा देखो यहां देखो बी भी दे रखा है यहां बी कर दो ए कर दो ठीक है उसके क्योंकि देखो सी यहां हो जाएगा ए क्या है, को कहीं ए भी है तुम्हें कहीं? ए बी ए बी ए बी ए बी है बी ए बी यहां कर दिया अब यहां क्या आएगा अब कहोगे यहां सी है सी के बाद क्या सकता है तो सी ए कहीं है सी के बाद बी आना चाहिए तो क्या आना चाहिए सी के बाद में देखो सी बी ए तो यहाँ क्या आना चाहिए सी बी आने चाहिए फिर ए और बी बी के बीच में क्या आता है देखो बी बी के बीच में हमेशा ए आता है तो ए लगा देंगे अब आपके सामने आंसर होगा सी हो जाएगा ये क्या हो जाएगा वी सी वी ए कहाँ देखो सी वी ए सी वी ए सी वी गलत हो रहा है फिर तो यह सी बी ए है ही नहीं कहीं सी बी ए तो है ही नहीं कहीं सी बी तो है सी बी ए नहीं है तो यहां बी बी के बीच में ए नहीं आएगा तो यहां गलती हो रही है हमारी ए नहीं आएगा तो क्या आएगा फिर है यहां देखो सी के बीच में भी तो फिर ए यहाँ नहीं आएगा फिर ऐसा होता होगा ए ये भी हो सकता है गलत हो तो यहां मैं सी के बाद में यदि मैं बी लगा देता हूँ यहाँ बी उसके बाद में यहां ऑप्शन की तरफ से देखू यहां सी लगा देता हूँ तो हो जाएगा ए ए तो ठीक है यहाँ ए ए तो ठीक है इसको पहले ऑप्शन को देखो भर के यदि मैं बाल लेता हूं यहां क्या लगा दू यहां बी ऑप्शन पे मैं बी लगा दू और सी वाले पे सी लगा दू यहां तो क्या ऑप्शन बैठ जाएगा सही सी बी ए है कहीं लिखा हुआ सी बी ए सी बी ए ठीक है और बी बी सी ए है कहीं बी सी ए कहीं दिख रहा है आपको बी सी ए वी सी ए बी सी ए कहीं दिख रहा है बी सी ए तो है ही नहीं कहीं भाई बी सी ए है ही नहीं तो ये तो गलत हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रहेगा ही नहीं का है कितना कैसे हो जाएगा यार करो कोशिश करो ट्राई करो यार ये गलत कैसे हो रहा है यार गलत काहे हो रहा है इसको एक मीटर को एक मीटर को किसमें तोड़े चार चार गलती हो रही है भाई इसमें कैसे तोड़ सकते हैं यार छ छ में तोड़ के देखें छह छह में देख ले तोड़ के चलो भाई तीन में भी ना आ रहा दो में भी ना आ रहा दो -दो, दो, करके, दो दो करके देखें दो से करके दो दो करके देखें चलो दो दो करके देख लो दो दो करके देख लो भाई छह छह महीना आ रहा है तो दो दो करके देखेंगे क्या करें, करना तो है क्वेश्चन को सॉल्व चलो दो दो करके देख लो अब क्या करेंगे ए बी यहां कर तो ए बी ए बी ए बी ए बी नहीं ए बी ए बी ए बी कैसे हो जाएगा यार ए बी मान लो ए और ए भी यहां मतलब एक छोड़ छोड़ के ए भी है देखो एक छोड़ छोड़ के ए भी है यहां ध्यान दिखे एक छोड़ छोड़ के ए बी है ए भी यहाँ है तो ए भी यहाँ है। यहाँ नहीं होगा यहां हमारा ए नहीं होगा यहाँ ए नहीं होगा उसके बाद क्या करेंगे यहां कर दो सी क्योंकि सी कर देते हैं मानते हैं सी क्योंकि ऑप्शन देखो ए और सी यही है तो ए हो नहीं सकता यहां सी ले ले तो यहाँ सी सी बी तो सी बी और सी बी और सी बी देखो ये भी सी बी हो गया देखो ये भी सी होगा, हो गया ये भी सी भी हो गया ये भी सी भी हो गया और ये भी सी भी हो गया और चारे भी चारे भी चारे भी चारे भी चारे भी, चारे भी क्या बात है भाई हो गया भाई देखो दो दो में तोड़ दिया तो हम दो दो में तोड़ के भी बहुत जल्दी ले आ सकते हैं तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या रहने वाला है ऑप्शन नंबर हमारा एज राइट रहेगा बिल्कुल एज परम सत्त आंसर होगा आगे वही देखो हमने क्या किया पहले हमने देखे हमने तीन तीन में भी तोड़ के देखा छह छह में तोड़ के देखा और एक हमने सबसे कम में भी तोड़ के देखा दो में तोड़ के देखा तो फटाक से आ गया तो हमें क्या है क्वेश्चन यदि नहीं होता इस प्रकार से तो हम तोड़ के देख लेते हैं क्या करते हैं भाई तोड़ के देख लेते हैं आपके ऊपर डिपेंड करता है ऑप्शन नंबर क्या रहेगा एज पर हम सबका आंसर होगा ठीक है ए सत्य आंसर होगा आप हाँ देख सकते हैं किस प्रकार से बनकर तो दो दो में भी तोड़ के देखिए छोटे में छोटे में पहले देखिए छोटे से छोटे में तोड़ के देखिए ठीक है थीक्ष? पहले हमने तीन में तोड़ के देखा तो नहीं आया उसके बाद हमने छे में देखा कोशिश करके तो भी नहीं आ रहा था क्योंकि छह में बहुत ज्यादा बड़ा होता था उसके बाद में देखिए छोटे में छोटे करके देखेंगे छोटे में छोटे तोड़ के देखेंगे तो हमारा आंसर आ सकता है ठीक है तो देखो मैंने तीन से किया तो नहीं आ रहा था दो में हमने डिवाइड किया तो फटाफट आ गया देखो तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन को करेंगे छुपा हुआ आंसर क्वेश्चन में ही होता है इन क्वेश्चनों का इसको देखो कैसे करेंगे इसको देखेंगे कैसे करेंगे फटाफट बताइए कैसे करने वाले हैं इसको हम देखिए कैसे करेंगे देखिए मैं, मैं कह रहा हूं पे बुक नहीं लेता मैं बुक नहीं उठाता हूं कभी ठीक है और मैं कोशिश करता हूं ऐसे करने की ताकि मुझे खुद भी आना चाहिए अब देखो इसमें गिनेंगे के एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अब देखिए यहां तो भाई सत्रह सत में सत्रह आए चार चार आठ चार बारह चार सोलह एक सत्रह 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 को तो डिवाइड कर ही नहीं सकते सत्रह को तो हम डिवाइड ही नहीं कर सकते भाई सत्रह को डिवाइड कर सकते हैं हम लोग बताओ मुझे सत्रह को तो डिवाइड ही नहीं कर सकते तो डिवाइड नहीं कर सकते तो वैसे ही करके देखो शायद ऐसे ही तुक्का तुक्का मारा हुआ हो रहा है सोलह को तो डिवाइड कर सकते हैं सोलह को तो डिवाइड कर सकते हैं एक कम को कोई जरूरत नहीं है यहां देखो क्या है एम सी यहां क्या है भाई एम सी जब एम सी एम सी यहां दोनों बराबर में है तो उससे पहले एक छोड़ के देखो याद रखो उसके बाद कहीं एम सी है दिख रहा है आपको बताओ मुझे नहीं दिख रहा ना वही यहां भी तो है पहले ए देखो इसमें ए है सी मतलब ए या सी आने वाला है तो यह मैं यहां ए मान लेता हूं तो एम से पहले ए होना चाहिए बीच में पहले कहीं एम है तो यहां भी ए होना चाहिए लास्ट वाले में ए बिल्कुल ए और देखो ए यहां भी है ए यहां भी है समझ में आ रहा है तो ऑप्शन नंबर हम ए लगा के देखेंगे तो ए लगा दीजिए और यहां ए लगा दीजिए ठीक है क्योंकि लास्ट वाले में ऑप्शन को भी देखेंगे थोड़ा सा ऑप्शन को भी हम देख के करेंगे थोड़ा सा ठीक है तो ए ए लगा दीजिए ठीक है उसके बाद में क्या दे रखा है सी अब देखिए ऑप्शन को यदि सी लगाता हूं देखो एम से पहले देखिए एम के बाद में क्या है सी तो एम सी मैंने लगा दिया यहां सी हो गया ठीक है उसके बाद देखिए ए के बाद में क्या होता है ए के बाद है एम एम लगा दिया फिर देखिए ए से सी से पहले क्या है एम सी ए लगा दिया फिर क्या है एम सी एम सी तो ये देखिए डिवाइड है ये किसमें देखो एम सी ए एम सी एम सी एम सी एम सी एम सी एम सी ए और एम सी ए वाला उन्होंने हटा दिया है तो ये देखें एमसीएमसीए एमसी ऑप्शन नंबर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए इस पर हम आंसर होगा अब आप कहोगे सर मैंने आपने कैसे पहचाना तो मैंने आपसे कहा ना कि हम ऑप्शन को भी थोड़ा ध्यान देंगे हम ऑप्शन को भी ध्यान देंगे क्योंकि हमने मान लीजिए से पहले ए लगा दिया और हमने एम से पहले ए लगा दिया तो बिल्कुल एमसीए बन रहा है एमसीए बन रहा है MCA बन रहा है ठीक है तो तर, इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन इसको बताइए हम कैसे करने वाले हैं में क्वेश्चन को देखिए कैसे करने वाले हैं बताइए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को यहां बोला गया है देखिए यहां बोला गया है ए उसके बाद में देखिए पहले गिन लीजिए एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह बारह है ना तो बारह को कितने भागों में डिवाइड कर सकते हैं आपको, तो है? आपको कि चार तिया बारह होता है एक छे दूनी बारह होता है तो छोटे से छोटे में बात करेंगे इन दोनों में से छोटा तो पहले तीन में तोड़ के देख लो यदि दे तीन से आंसर ना आए तो छह में करके देखना लो एक दो तीन एक दो तीन एक दो तीन एक दो तीन अब भाई क्या करोगे भाई अब अभी आंसर नहीं हो तो सबसे पहले क्या करेंगे भाई करेंगे ठीक है तो पहले करके देख लो ऐसे ही तीन तीन में करके देख लो ठीक है तो तीन तीन में करेंगे भाई ए से पहले बी बोल रहा है ए से पहले क्या होने वाला है बी से पहले क्या आएगा ये बताओ ना इसमें दिया है ना इसमें दिया है किसी में दिया है ना दिया है, है ना तो ए ए तो आएगा देखो ए यहां दो है ए यहां दो है तो यहां का हो सकता है क्या ए आ जाए यहां के बाद में क्या है बी आ जाए ठीक है हो सकता है बी आ जाए क्यों बी आ सकता है तो देखो ए पहले है कहीं यहां है ए के बाद में बी है ए मैंने पहले मान लिया तो बी बाद में बी है नहीं है तो ये बात मेरा गलत हो रहा है ये मेरी बात गलत हो रही है भाई ऐसा नहीं होगा ऐसा नहीं होगा तो होगा कैसे ये तो बता दो अच्छा चलो तो पहले हम बी मानते हैं क्योंकि हमारे देखो पास ए ही है और ये हमारा फॉलो नहीं हो रहा है तो हम पहले बी मानते हैं बी मान लीजिए तो ए बी बी ए वी ए वी ठीक है ए बी वी ए बी और वी ए ए ए ए के बाद में क्या होगा बी वी देखिए वी वी ए तो ऑप्शन नंबर क्या होने वाला है अब देखो बी भी इसमें होगा भाई ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बीस परम सत्ता आंसर है बीस परम सत्ता आंसर है अब देखो या तो हमारा देखो इस प्रकार से अब देखो हमारा तीन से हमारा वैसे फॉलो नहीं हो रहा है देखो तीन से हमारा फॉलो नहीं हो रहा है हमने मैंने लगा दिया ऑप्शन क्योंकि मैंने लगा दिया लेकिन अब देखिए हमने इसे एक बार और देखिए यदि तीन से फॉलो नहीं होता है तो मैंने कहा दो दो करके देख लो यदि मैं दो दो को करके देखूंगा देखिए दो दो करके देखता हूं तो किस प्रकार से होगा अब देखिए यहां के मान लेता हूं मान लो यहां बी मान लिया ए बी बी ए देखिए ए बी वी ए आ गया भाई देखिए आ गया नहीं आ गया देखिए हो गया भाई आप आपको समझ में आ रहा है देखिए तीन से नहीं आ रहा तो हम अब देखिए दो से गया तो फटाक से आ गया दो से किया हमने तो फटाक से आ गया यदि हम इसको चार से करते देखो चार में हमने चार में तोड़ा इसमें चार में करके देखते तो कैसे आएगा अब देखिए कोशिश करिए एक बार करने की यदि मैं चार में तोड़ के देखता तो हो सकता था क्या एक दो तीन चार एक दो तीन चार एक दो तीन चार अब देखिए अब मैं क्या लगाऊंगा आप लगाऊंगे देखिए ए के बाद में क्या है देखो ए के बाद में ए के बाद में क्या लगाऊ ए के बाद में यहां भी नहीं दे रखा है ए के बाद में यहां भी नहीं दे रखा है तो मैं क्या लगा सकता हूं आप कहोगे ए के बाद में यदि मैं बी लगाता हूं मान लीजिए ऑप्शन के अनुसार तो ए बीबीए ए बीबीए और ए बीबीए आ रहा लेकिन मेरे हिसाब से जो छोटी संख्या से आप डिवाइड करें जो मैंने अभी किया था आपके सामने उस संख्या से बेहतर रहोगे आप इस ज्यादा फालतू मैनो को दूसरे बारे में पहुंच जाओ सबसे बढ़िया देखो दो दो करके तोड़ लो दो दो करके तोड़ लो आपके सामने आ जाएगा ए और बी बी ए बी ए बी ए बी ठीक है समझ आ रहा है ए बी बी ए बी बी ए बी बी ए बिल्कुल ऑप्शन नंबर क्या रहने वाला है ऑप्शन नंबर राइट रहेगा इस प्रकार से करेंगे छोटे से छोटे संख्या से तोड़ के देखा करो ठीक है तो आंसर आ जाया करेगा ठीक है इसको देखो इसको आप किस प्रकार से करेंगे यहां बोला गया है ध्यान से देखना कैसे करोगे इस क्वेश्चन को बताओ इसको बताइए कैसे करोगे देखिए तो यहां बोला गया है इसमें देखा है एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह कितना अभी पंद्रह है पंद्रह तो किसी से कटेगा नहीं पंद्रह तो किसी से कटेगा नहीं तो पंद्रह से चौदह तो कटेगा हाँ चौदह कटेगा कम वाला कट जाएगा सर चौदह कितने से कट जाएगा चौदह को सात दो चौदह भाई या तो दो, -दो में काट के, तो दो -दो के देख लो या फिर आप सात सात में काट के देखो या तो दो में काट के देख लो या फिर सात सात में काट के देख लो बताओ किस में काट सकते हो और चौदह को और किसी भाग में तोड़ सकते हैं सात धूनी चौदह ही होता है और तो तोड़ नहीं सकते और तो किसी में तोड़ नहीं सकते समझ रहे मेरी बात को हाँ तो किसमें तोड़ोगे भाई ये सच में चौदह गिल्लो यार भाई से सच में है। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह है यार पंद्रह है ना तो पंद्रह को कितने में तोड़ सकते हैं भाई पंद्रह को तोड़ सकते हैं तीन पंजे पंद्रह होता है ना तीन पंजे पंद्रह होता है तीन तीन में तोड़ लो सबसे छोटी संख्या क्या है भाई तीन में तो एक दो तीन एक दो तीन एक दो तीन एक दो तीन तीन पंजे पंद्रह होता है ना तो तीन तीन में तोड़ लेंगे

बी ए सी ऑप्शन नंबर ए परम सत्य आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा ए इज परम सत्य आंसर होगा समझ में आ रहा है ऑप्शन क्या है ए एस परम सत्य आंसर होगा ठीक है समझते आ गया सबसे छोटी संख्या में डिवाइड कर लेते हैं सबसे छोटी संख्या में डिवाइड कर लीजिए तो वो आपका आंसर आ जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं इस क्वेश्चन को देखिए पिछहत्तरवा क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस ये हमारा हो गया बीस ठीक है 20 को 20 को आप बीस 20 को कितने भागों में तोड़ सकते हैं बीस को तोड़ के देखिए आप सबसे छोटी संख्या दो या तो दो दो में तोड़ लीजिए या तो आप चार चार में तोड़ लीजिए तो दो दो में तोड़ दीजिए दो दो में तोड़कर देख लीजिए दो दो में तोड़ोगे बहुत खंड हो जाएंगे दो दो में तोड़ोगे तो बहुत खंड हो जाएंगे देखो चलो ठीक है कोई बात ना दो में दो, तोड़ तोड़ लेना दो दो में तोड़ लेना कोई दिक्कत ना है। चलो देखो यहाँ ए ए लास्ट में है यहाँ ए ए लास्ट में उससे पहले क्या है सी है तो हम सी लगा दीजिए ठीक है उससे पहले देखिए सी से पहले क्या है बी तो यहाँ बी लगा दीजिए अब तुम तो लास्ट में आपको देखना है कि सी और बी कहां है आप देखिए सी भी इसमें है और सी भी इसमें है तो ये आपको सबको काट देना है हमारी दुश्मनी खत्म यहां से इन दोनों से दुश्मनी खत्म हो गई ये हमारी पास ये दोस्त बनेंगे उसके बाद में क्या है देखो अब उसके बाद में आपको ध्यान देना है उसके बाद में देखो इसके बाद में जस्ट ए ए के बाद में देखो ए ए के बाद में नहीं देखना है अब हमें देखना है यहां यहां देखो यहां मैं यदि ए ए कर देता हूं बीच में यहां ए ए कर देता हूं ध्यान दीजिए यहां मैं ए ए कर देता हूं तो क्या रहने वाला है यदि मैं यहां ए कर देता हूं तो ए ए और ए के बाद में क्या है बी सी बिल्कुल ठीक है और उससे पहले क्या आने वाला है ये तो आप भी जानते हो यहां क्या आएगा देखिए यहां दे रखा है सी बी सी और बी अब देखिए सी बी से पहले क्या आता है ए ए तो यहां भी ए ए आएगा और यहां देखिए सी बी से बाद में क्या आता है सी बी के बाद में देखिए यहां बोला गया है सी बी सीबी uh, के बाद क्या आता है आपको देखना है सी बी सी बी कहां दे रखा है सी और बी के बाद में कहा तो ए ए आ जाएगा सी बी बी के बाद में तो आप देख सकते हैं हमारा ऑप्शन नंबर क्या रहने वाला है सी परम सत्ता आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा सी परम सत्ता आंसर होगा तो इस प्रकार से हम मैंने कहा ना सबसे छोटी संख्या में आप डिवाइड करिए सबसे छोटी संख्या में इनको ये देखिए कितनी भागों में तोड़ सकते हैं और उसका सबसे छोटी संख्या लीजिए सबसे छोटी संख्या को तोड़िए सबसे छोटी संख्या को आप लीजिए आपका आंसर राइट आएगा आपको कोई बचाने वाला पैदा नहीं है विजय पाने से एग्जाम में सबसे छोटा लेना है नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए इसको आप किस प्रकार से करेंगे ये देखिए इसको आप किस प्रकार से करेंगे देखिए सभी बताइए यहां बोला गया है अब पहली बात तो गिन लीजिए इसको एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह कितना भाई बारह टोटल कितने भाई बारह समझ में आ रहा है कितने भाई टोटल बारह अब बारह को कितने भागों में डिवाइड कर सकते हैं आप लोग बारह को डिवाइड कर लीजिए चार तीन बारह होता है और छह दूनी बारह होता है तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है दो 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 में तोड़ लीजिए अब भाई दो दो में तोड़ोगे तो कर, थे? तोड़ लो यार हम तो दुश्मनी तो निभाने में सबसे अगले हैं तोड़ लो अब देखो क्या देखा है यहां कितना है बी ए यहां कितना है ए बी यहां कर दो ए बी भी। बी बाद में है तो यहां भी ए करो ए बी कर दो यहां क्या है ए बी कर दो यहां क्या, क्या, दो? क्या, क्या कर दो ए बी कर दो ले गलत ना हो गया मुझे तो लग रहा है गलत हो गया भाई गलत हो गया मुझे लग रहा है गलत हो गया क्यों क्योंकि सब नहीं हो सकते यार सब ऐसे नहीं हो सकते क्योंकि देखो यहां बी ए है लिखा हुआ ना यहां बी ए तो एक जगह बी ए भी तो आएगा वो कहाँ आएगा वो आप देखो यहां दे रखा है बीए क्योंकि बी से पहले दो बी दिखा रहे हैं नहीं हुआ भाई भाई दो तोड़ने से दो से नहीं हो पा रहा है दो से समझ में नहीं आ पा रहा है हम क्या लगाए यहां तो हम तीन लगा के देख लेंगे कितने लगा के देख लेंगे तीन लगा के देखेंगे तीन लगाइए एक दो तीन एक दो तीन एक दो तीन अब देखो इसमें क्या है ए ए देखो बी बी यहां बी ले लो ले, ले सकते हो नहीं ले सकते यहां भी नहीं ले सकते यदि यहां क्योंकि सबको जगह पे कितना है पहला ए है ठीक है या तो फिर बी हो सकता है या ए हो सकता है चलो मैं यहां बी ले लेता हूं हाँ यहाँ फिर यहाँ ए ए लेना पड़ेगा यहाँ क्या लेना पड़ेगा ए ए लेना पड़ेगा तो ए ए है दो जगह हाँ बी ए ए है चलो इसके बाद में यहां ए ले लेता हूं ए वी वी हो जाएगा फिर ए ए बी हो जाएगा हो गया भाई हो गया तीन से कट गया भाई दो से नहीं कटा तो हम तीन से देख लेंगे दो से नहीं कटा तो तीन से इन छोटी से छोटी संख्या में देखेंगे भाई हल करके आपको अब देखो हो गया भाई आपके सामने आ चुका है आंसर देखो क्या आएगा भाई ए आप कहेंगे देखो पहले बी देखिए ए बी बी ए ए बी ए बी बी ए ए बी तो ऑप्शन नंबर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी इस परम सत्ता आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इस परम आंसर होगा इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे देखिए कितने अच्छे तरीके से हम कर पाए कितने अच्छे तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए ठीक है तो इस प्रकार से हम तोड़ के देखते हैं ये थोड़ा सा टाइम ले सकता है ये क्वेश्चन लेकिन आपको विधि वही लेना छोटे से छोटे में हम डिवाइड करके देखना रहे तो एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सोलह को हम कितने भागों में डिवाइड कर सकते हैं तो आठ दूनी होता है सोलह और चार चौक होता है सोलह तो हम सबसे पहले क्या लेंगे दो लेके देखेंगे उसके बाद कितने लेके देखें चार लेके देखें पहले दो ले लो उसके बाद दो ले लो इसके बाद दो ले लो उसके बाद दो ले लो इसके बाद दो ले लो इसके बाद दो ले लो इसके बाद दो ले लो अब देखो यहां दे रखा है लास्ट में बी और यहाँ दे रखा है ए ठीक है बी ए और ए बी आप विकल्प भी ध्यान देंगे थोड़ा सा यदि मैं पहले बी भरता हूं हो सकता है ए बी हो पहले मैं क्या भर दू बी भर देता हूं इन दोनों में से एक यहां मैंने बी भर दिया तो क्या हो जाएगा बी ए बी ए हो जाएगा उसके बाद में देखो यहां यहां देखो बी ए लिखा है बी ए बी ए और फिर यहां ए लिखता हूं बी ए बी ए भी ए वी ए, भी ए।, भी ए, भी ए। हो गया तो क्या भाई दो ए पहले बी दो ए और लास्ट में बी ऑप्शन नंबर क्या रहने वाला है सी सत्ता आंसर है ऑप्शन नंबर क्या है भाई सी देखो आ गया भाई कितना बढ़िया सभी लोग समझ पा रहे हैं इस प्रकार से हमें ट्रिक अजमानी है इन ट्रेकों से हम द्वारा इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें चलो अठहत्तरवा क्वेश्चन आपके सामने इसको क्वेश्चन को कैसे करेंगे वही ट्रिक सभी लोग बताइए वही ट्रिक आपको गिनना है कितना गिनना है गिनो एक दो तीन चार पांच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह पंद्रह को डिवाइड कर दीजिए कितने में आप लोग पांचतियां होता है पंद्रह और कितना हो सकता है पाँच तिया पंद्रह आप किसी तोड़ सकते हैं अरे पाँच पांचतियां पंद्रह के अलावा को तोड़ सकते हैं तो सबसे छोटी संख्या क्या है तीन तीन तो उनमें तोड़ दो एक दो तीन 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 अब देखो सी से बाद में क्या है बी ठीक है समझ आ रहा है सी बी अब क्या हो सकता है यहां हो सकता है भाई सी हो सकता है बीच में देखो सी कर दो सब में सी है तो बस सिवा ले लो और उसके बाद में देखो बीच में सी है तो यहां बी आ सकता है यहां कितना आ सकता है ए आ सकता है यहां भाई देखो क्या यहां सी आ सकता है यहां सी है अब यहां सी है भाई हो सकता है क्या ऐसा सी ए गलत हो जाएगा ऐसा नहीं होगा भाई ऐसा नहीं होगा ये हम गलत कर रहे हैं बाबा हम गलत कर पा रहे हैं देखो यदि हम तीन से नहीं हो पा रहे, हैं, पा रहे हैं। ध्यान देखें यदि हम तीन से नहीं कर पा रहे हैं तो उसे हम अधिक में तोड़ देंगे पांच पांच में तोड़ के देख लीजिए यदि हम तीन से नहीं कर पा रहे हैं तो पांच पांच में तोड़ कर दे एक दो तीन चार पांच एक दो तीन चार पांच 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 में तोड़ लीजिए अब क्या करेंगे भाई अब यहां देखिए यहां कितना दे रखा है देखिए यहां यहां से यहां तक देखा जाए तो देखो यहां है बीस यहां दे रखा है सीए सी बी दे रखा है ठीक है तो इससे पहले क्या हो सकता है उससे पहले क्या हो सकता है देखो यहां मान लो यहां देखे बी से पहले सी है, तो यहां लगो, C ले लो सी ले लो ठीक है चलो सी ले लो इनमें से एक होगा दे तो हो नहीं सकता चलो ठीक है उसके बाद में क्या है यहां देखो सीधी दे रखा है यदि मैं यहां सी मान लू तो वी सी बी सी हो सकता है सीसी हो सकता है मान लीजिए ठीक है यदि देखो यहाँ भी बी यहाँ भी यहाँ भी, भी ए के बाद में क्या आएगा ए के बाद सी आ रही है तो यहाँ ए के बाद सी लगा दीजिए तो एक एक दो तीन चौथे स्थान पर सी देखो कहाँ है एक दो तीन चौथे स्थान पर यहाँ सी है और यहाँ सी है ठीक है अब देखो इसमें भी सी है तो इसमें भी सी है इसमें भी मौजूद सी इसमें भी सी भर दो पांचवें स्थान पर देख लेंगे कौन सा भरा जाएगा क्यों देखो यहां दे रखा है सी देखो यहाँ सी बी सी सी बी और सी बी ए होगा क्या होगा देखिए इससे पहले क्या है देखिए सी बी से सी बी से पहले ए है तो यहाँ ए भरा जाएगा लास्ट में ए वाला भर दीजिए उसके बाद में क्या देखेंगे ऑप्शन को भी ध्यान देंगे उसके बाद में यहां बी आ जाएगा यहाँ सी आ जाएगा ऑप्शन को देख लीजिए ऑप्शन नंबर ए पर आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पर परम सब आंसर होगा ऑप्शन को भी हम देख के थोड़ा सा ध्यान देंगे यदि क्वेश्चन थोड़ा भाई हार्ड लगता है तो ऑप्शन की भी हेल्प लेंगे क्योंकि ऑप्शन का ही एक आंसर होगा तो ऑप्शन की भी मदद लेंगे तो मैंने यहां ऑप्शन की मदद ली है थोड़ी सी ठीक है याद रखिए ऑप्शन की मदद ली है तो सब कुछ देखेंगे चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए इसको बताइए सेवेंटी नाइन को किस प्रकार से करेंगे बताइए इस प्रकार से हम किस प्रकार के क्वेश्चन करेंगे बताइए इसको देखिए किस प्रकार से करने वाले हैं पहले गिनती गिं लीजिए इसमें एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह पंद्रह को भाई तोड़ सकते हैं पांच इंटू तीन में तीन में तोड़ के देख लो या फिर पांच पांच में तोड़ के देख लो एक दो तीन चलो तीन दिन में तोड़ लो एक दो तीन एक दो तीन एक दो तीन एक दो तीन अब देखो सी सी डी है हा है तो सी सी डी क्लास में कर दो उसके बाद में क्या है देखो यहां कह रहा है यहां क्या बोल रहा है डीडीसी हो सकता है डीडीसी बिल्कुल ठीक है डीडी ले लो डी यदि लेता हूं यहां डी ले लो लास्ट में डी हो सकती है बिल्कुल लगाओगे लास्ट में डी इसके है और इसके डी है तो यदि मैं सी ऑप्शन ले लूं तो कैसा रहेगा फॉलो करेगा या नहीं तो आप कहोगे ये फॉलो करेगा या नहीं मुझे तो ये, ये बताओ यहां मैं डी ले लूं लास्ट में क्या फॉलो करेगा यदि यह मैं यहां था था सी भर दूं और यहां डी भर दूं तो डी डी तीन जगह हो जाएगा और यहां सी नहीं ये क्योंकि यहां डी डी सी आ रहा है और तो और यहां क्या हो रहा है डीडी आ रहा है तो ये नहीं फॉलो करेगा ये वाला फॉलो नहीं करेगा ये गलत है ये जो डी लास्ट में ये फॉलो नहीं करेगा क्यों क्योंकि गलत हो रहा है चलो इसको हटा दू उसके बाद में देखो यहां पहले तो डी आपको यूज करनी पड़ेगी ये कह रहा है क्योंकि पहले तो डी यूज करनी पड़ेगी क्योंकि डीडीसी देखो यहां देखो रहा है ना डीडी क्या बोल रहा है ये देखो डी डी कितना आया सॉरी यार कहा गया देखो मैंने कौन सा लिया था ऑप्शन अभी सेवेंटी नाइन का डी सी डी मान रहा था ना डी सी ऑप्शन मान रहा था मैं इसको क्यों ये गलत हो रहा है गलत ऐसा नहीं होगा कैसे करेंगे आप देखिए यदि मैं इसको और हाईवे में तोड़ू तो कैसा रहेगा देखो ये आया डी डी सी ठीक है दो बार डी आई दो बार डी अरे गलत हो रहा है यार ऐसे देखो यार ऐसे हो जाएगा ऑप्शन ये काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी देखो यहां कह रहा है देखो दो डी आई है यहां ठीक है यहां देखो एक सी है यहां कितनी दो सी आ गई यहां दो सी आई है दो दो सी आई है तो यहां क्या होगा आपको यहां सी होगी नहीं यहां सी हो सकती है क्या बताओ मुझे नहीं हो सकती क्यों क्योंकि एक डी देखो यहां दो डी आई है यहां दो सी आई है यहां कितना है देखो एक सी तो दो सी देखो एक डी दो सी ठीक है हो सकता है नहीं हो सकता यार ऐसा भी नहीं होगा भाई हो का रहा है यदि मैं यहां डी मान लेता हूं मान ली तो डी मान लिया और डी ठीक है ये मान ली मैंने डी ठीक है और डी ऑप्शन में जाएंगे तो ध्यान देंगे डी मान लीजिए और डी डी सी डी डी सी और डी डी देखिए क्या करेंगे डी डी देखिए डी डी सी सी हमने पहले क्या लिया इतना माना कितना हुआ डी डी सी और डी दो थी एक सी थी अब यहाँ क्या डी दो तीन हो गई और सी दो हो गई यहाँ क्या हुआ है देखो डी एक दो तीन चार हो गई और सी तीन हो जाएंगी अब ये ऑप्शन हमारा राइट हुआ देखो इस प्रकार से डिवाइड किया गया इसे इस प्रकार से डिवाइड किया गया है देखो

यहां कितना है बारह बारह को कितने तोड़ सकते हैं चार तिया बारह और छह दूनी बारह देखो करके देखो करके क्या दे रखा है ए बी बताइए यहां तो मान लीजिए देखिए सब में ए ए ज्यादा बी है यदि बी भी मान ले तो बी बी ए और यहां क्या हो जाएगा फिर यदि बी आएगा तो तो है ही नहीं ऐसा कुछ है ही नहीं यदि बी मान लेता हूं तो इसको खत्म कर दो बी ऑप्शन को खत्म कर दो इसमें भैया बी तो मान ही नहीं सकता इसको मैं ठीक है बी तो मान ही नहीं सकता अब क्या मान लो मान लो ए पहले वाले में देखो बी ए ए बी ए ए और उसके बाद में क्या कर सकता हूं बी बी देखो एक बी हाँ दो बी हो गई दो, दो ए दो ए हो गई ठीक है ये डिवाइड करके कर कर देख लो कार्ट में कर लो पहले कैसको उसमें डिवाइड करो यार

तो ए वी वी ए देखिए बी ए ए वी वी बी बी ए ए वी बी ऑप्शन नंबर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी सत्ता आंसर होगा इस प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं ठीक है तो कई टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं आपके एग्जाम में थोड़ा सा आपको टाइम भी ले सकता है क्वेश्चन आपका थोड़ा टाइम भी ले सकता है समझ में आ रहा है ये तो इसमें चार डिवाइड करके मैंने तीन तीन डिवाइड करके इसमें दो डिवाइड करके देखें दो से हो जाएगा दो से देख लेते हैं एक बार में करके दो दो से करके देख लो यार शायद हमारा दो से और सरल हो जाए तो कहोग इसके बाद में ए ले लो ए बी ए देखिए कह रहा है बी ए वी ए वी ए बी ए, ए वी, वी ए नहीं हो सकता नहीं हो सकता यार ऐसा फिर ले लो यहां वी ए ए बी ए ए यहां ए होना चाहिए यार तो ए तो ऑप्शन ही नहीं है इसमें कोई ये तो ऑप्शन ही नहीं है तो ये तो गलत हो रहा है फिर इस हिसाब से तो इस हिसाब से तो गलत हो रहा है यहां भी बी आएगा तो यहां दे रखा है वी ए ऑप्शन बी बी। बी 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 ये ये रहेगा भाई ये ऑप्शन रहने वाला है आपके सामने ठीक है तो ये ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर आंसर होगा को इसमें कोई डाउट नहीं है ठीक है हम दोनों प्रकार से कर सकते हैं यार ये थोड़ा टाइम ले लेते हैं क्वेश्चन क्योंकि ऐसे प्रकार से ही क्वेश्चन होते हैं ठीक है तो कहीं ना कहीं थोड़ी कन्फ्यूज हो जाते हैं हम लोग तो उसको भी देखना पड़ता है इसको देखिए कैसे करेंगे हम इसको बताइए कैसे करने वाले एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इसमें टोटल बीस है और बीस को पांच इंटू चार और या फिर कह सकते हैं कितना कर सकते हैं दस इंटू दो दस दो बीस होता है इसमें तोड़ लीजिए या तो आप पांच पांच में तोड़ लीजिए या इससे कितने में तोड़ लेंगे चार चार में तोड़ लेंगे चार चार में देख के देख लीजिए सबसे छोटी संख्या पहले चार में देखिए एक दो तीन चार 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 अब देखो यहां देखो क्या दे रखा है ये देखो बिल्कुल समान चल रहा है कहानी तो यहां कर दीजिए बिल्कुल हो गया देखो सिस्टम सी लास्ट में कहा में है। और सीज में कट जाएगा इसमें देखो, इस देखो बिल्कुल समान चल रहा है सब सिस्टम यहां देखो यहां सी कर दीजिए यहां ए कर दीजिए यहां सी लास्ट में हाई और उसके बाद में क्या दे रखा है सी उसके बाद में बी दे रखा है सी के बाद बी अब देखो पहले बी होना चाहिए उसके बाद में ए उसके बाद सी देखिए बी ए सी और सी ऑप्शन नंबर बीस तरफ आंसर होगा कोई डाउट नहीं इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं इसको बताइए कैसे करेंगे पता नहीं पूरी दिखा क्या देखिए यहां देखा है देखिए एक दो तीन चार पांच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस बीस दे रखा है बीस को डिवाइड कर लीजिए भाई पांच इंटू चार में डिवाइड करेंगे चार चार में के देखो इसे भी चार चार में इसे भी के देख लो भाई फटाफट एक दो तीन चार 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 अब बताओ देखो जी लास्ट में यहां है जी लास्ट में इसमें है आई पहले है? आई पहले ना ठीक है आई के बाद में क्या है पी है तो पी करो पी के बाद क्या है आई है आई कर दो आई के बाद क्या है जी है जी कर दो तो जी और लास्ट में देखो देखो यदि बात करूं मैं पहले जी मान लेता हूं यहां जी मान लू यहां देखो यहाँ इस वाले में जी मान लू तो क्या होने वाला है तो, तो पी आई होना चाहिए लास्ट में बिल्कुल ठीक है देखो पी आई मेरा आया है लास्ट आश और देखो जी लास्ट पहले आ गया तो इसमें क्या कर देंगे आई और यू और भर दो आंसर आपके आ जाएगा आंसर आपके सामने आ जाएगा क्या बिल्कुल ऑप्शन नंबर क्या होगा भाई सीज परम सत्ता आंसर होगा सीज परम हम सत्ता आंसर होगा इस प्रकार से हम ऑप्शन को भी देख के करेंगे थोड़ा सा ऑप्शन में भी ध्यान देंगे और क्वेश्चन का आंसर करेंगे थोड़ा बहुत ऑप्शन में भी ध्यान देंगे और क्वेश्चन का आंसर कर देंगे फटाफट ठीक फट। है आगे हमारे सामने बिल्कुल ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए इसको हम किस प्रकार से करने वाले हैं इसको गिनो एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह बारह को डिवाइड कर दीजिए फटाफट बारह में कितना करेंगे चार इंटू बारह चार तीन बारह होता है छह दून बारह इन दोनों में से सबसे पहले तीन तीन में ले लो तीन तीन में तो ले नहीं सकते क्योंकि पता ही नहीं चलेगा तीन में लेने से क्या एक दो तीन ले लो एक दो तीन ले लो और एक दो तीन ले लो अब बताओ इसमें भरेंगे हम कुछ पता चल रहा है अब देखो मान ले यहां आई और जे। तो यहां कैसा? आई एल आ गया भाई यहां तो भाई तो कैसे करेंगे भाई? है? आई के बाद चलो जे भी भर देता हूं तो जे के बाद आई तो एल कुछ एक और भर लो एक कोई और भरा जाएगा इसका मतलब पता नहीं क्या होगा वो ये तो पता ही ना हमें तो ये क्या है इसमें हमें तीन तीन में डिवाइड नहीं कर सकते इसे तीन तीन में डिवाइड क्योंकि ये छोटी चो, इसमें बहुत सारे खाने छूटे हुए हैं और इसमें हम तीन तीन में ऐड नहीं कर सकते तो कैसे ऐड करेंगे आपको ये बताइए बताइए चार चार में करके देखो तीन तीन में काम ना चला तो चार चार में करके देखो एक दो तीन चार एक दो तीन चार एक दो तीन चार अब देखो क्या आई जे आई जे लास्ट में एल है तो एल है लास्ट में यहां भी एल है देखो एल है तो उससे पहले क्या आएगा और इससे देखो यहां क्या हो जाएगा अब ध्यान दीजिए यहां कितना आ जाएगा आई आ जाएगा यहाँ यहाँ जे आ जाएगा और यहां एल है लास्ट में अब बीच में हमें तो ये तो पता नहीं ये कौन सी संख्या होगी ये संख्या हमारी ये हमारे बहुबिकल बता देंगे तो देखो पहले जे लिखा है तो देखो जे किस में ये है और जे के बाद में देखो जे इसमें है जे इसमें इस तो ये तो वैसे कट जाएगा जे और लास्ट में देखो तीसरे नंबर पर एल एल इसमें है एल इसमें एल इसमें है तीसरे नंबर पर ठीक है यदि बात करूं देखिए उसके बाद में यहां क्या भरा जाएगा यहां भी सेम होना चाहिए क्योंकि हमने एल यहां है, तो एल देखो इसमें भी है इसमें भी है इसमें भी है ठीक है और के के इसमें भी है अब देखो यहां आई है यहां आई है यहां के है तो भैया एक तो गलत होगा कहीं भी गलत होगा क्यों क्योंकि यहां भी समान होना चाहिए यहां जब यहां जो के भरेंगे तो यहां भी के भरा जाएगा और यहां भी के भरा जाएगा तो यहां तीन के आपको देखने को मिलेंगे क्या होगा तीन के आपको देखने को मिलेंगे वो ऑप्शन हमारा राइट होगा तीन के जहां देखने को मिलेंगे तो आप कहोगे तीन के एक दो तीन के आपको देखने को भाई ये हमारा क्या होगा होगा राइट आंसर बाकी हमारे सब में दो के हैं देखो तो यही हमारा डी इज राइट होगा तो हम थोड़े हमारे क्या विकल्प का भी थोड़ा सा हम हेल्प लेंगे भाई दोस्त बनेगा हमारा विकल्प क्वेश्चन करते हुए ठीक है तो इस प्रकार से याद रखिए हाँ को विकल्प को भी ऑप्शन देंगे चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें इस क्वेश्चन को ऐसे करेंगे चौरासी क्वेश्चन को देखिए एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह बताइए इसको लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का और वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए इसको कैसे करना है अब क्या रहने वाला है बताइए इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी एक दो तीन चार पाँच छह सात आठ नौ दस ठीक है यार गिर लीजिए फिर से एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह अठारह को तोड़ लीजिए नौ होता अठारह भैया नौ नो में या दो अठारह में तोड़ दो बताओ या फिर किसमें भाई छह 6 में तोड़ दो छह छह में तोड़ दो क्योंकि बहुत गये फैलाका हुआ एक दो तीन चार पांच छह ठीक है एक दो तीन चार ठीक है टूट गया ना अपने छे छे में तोड़ दो भैया ठीक है अब देखो किसमें क्या आ रहा है देखो यहां क्या आ रहा है आ बी लास्ट में यू यहां आ जाएगा ठीक है टी के बाद देखो टी के बाद में है तो यहां देखो यहां बी है तो यहां बी आ जाएगा उसके बाद में यू के बाद एल है तो एल आ जाएगा यहां देखो क्या है यहां बी के बाद यू आ गया इसके बाद टी तो आएगी और बी के बाद क्या आ जाएगा बी के बाद यू आ जाएगा अब देखो यू टी यू टी एल यू और बी ऑप्शन नंबर बी इस तरह से आंसर होगा तो ये थे आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए वीडियो पसंद तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर देना है और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर कर देना तो ये हमारी सीरीज है वो कंप्लीट हो चुकी है कल हम लेके आएंगे कोडिंग डिकोडिंग के कुछ क्वेश्चन जो मोस्ट इंपोर्टेंट होंगे पूरी महामैराथन क्लास के साथ में हम खत्म करेंगे ठीक है थोड़ी वीडियो लंबी हो जाएगी कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन हाँ हमें सब कुछ पता होना चाहिए हमें सब कुछ आना चाहिए तब हम बेस्ट रहेंगे और अच्छे करके कर पाएंगे अलग सार्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे साल्ट क्वेश्चन आपको कोडिंग रिकॉर्डिंग से जो आते हैं उसके बाद में दिशा ज्ञान परीक्षण से रिलेटेड क्वेश्चन लेके आएंगे और हम महामाराथन क्लास के साथ चलते हैं वीडियो कैसे लगे कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताइए वीडियो पसंद चलो सब्सक्राइब कर बैलाइन को जरूर प्रेस करना है और दोस्तों को शेयर कर दें मिलते हैं अलग तक गुड बाय टाटा सी यू लव यू ठीक है ना सभी के लिए थैंक यू